الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوات الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم كلوا واشربوا حنيئا بما كنتم تعملون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم لايك سد احترام محترم ناظرين الكرام آپ کا محمد ساكب اقبال شامي ए आर वाई की टी वी की इस लाइव ट्रांसमिशन के साथ प्रोग्राम तज्लब में आपकी हिदमत में हाज़िर है असल व बरकातहू मोहतरम नाज़रीन कल के एपिसोड में हमने इंसान के फिज़िकल हार्ट और इंसान के स्पिरिचुअल हार्ट के माबे जो रब्त और लिंक और एफिनिटी है उसको डिस्कस किया था कुरान और सुन्नत और साइंसी डिस्कवरीज़ की रोशनी में यस्टरडे वी डिस्कस्ड That those diseases which have a negative impact upon the spiritual heart, the same diseases mostly have a negative impact upon the physical heart. And in that, we discussed many diseases of the heart, such as backbiting, telling lies, sinful acts that we commit with our eyes, sinful acts that we commit with our ears, listening to haram, talking about haram, looking at haram. Backbiting, humiliating other people, looking down upon people, and also sins like committing a murder, fornication, adultery. All of these acts, they have a negative impact upon the spiritual heart. But the same things, the same diseases, have a negative impact upon the physical heart. We also discussed that excessive eating, eating a lot, also has a negative impact upon the spiritual heart. There are people out there who eat a lot. And it is a sunnah of the Prophet ﷺ, as we discussed yesterday from a hadith of Rasulullah ﷺ, in which the Prophet ﷺ said that for the children of Adam ﷺ, a bit of food is sufficient. It is enough for the children of Adam ﷺ to keep their back upright and the prophet ﷺ said that if one wants to eat more then they should divide it they should take one third for their food one third for water and one third for the air for easy breathing that is the sunnah of the prophet of allah ﷺ. and if we act upon the sunnah of the prophet of allah ﷺ, then this will purify us from many diseases of the heart

हमें दिल की बीमारियां हैं कब्ज़ की बीमारी है बदहज़मी की बीमारी है हमें डायबिटिस है शुगर है जिगर और पत्ते के अमराज हैं और इसके अलावा हम कहते हैं कि जिस्मानी आज़ाम में हम बहुत दर्द महसूस करते हैं पाँव में दर्द है टांगों में दर्द है हाथों में बाज़ु में दर्द है नजर निकल इस सब का कोज़ इसका बुनियादी कोज़ इंसान का स्टमक है इंसान के स्टमक की बीमारियाँ जो लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और खाना खाने में एहतियात नहीं करते वो ऐसी बीमारी में मुबतला हो जाते हैं लेकिन अगर हम सल्लल्लाहु अलैहि रसाल वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए रिसालत मब सलील वसल्लम के बताए हुए इस नुस्ख़े पर अमल कर लें तो इन तमाम बीमारियों से हमें निजात मिल जाएगी और आज तो अलहदुल्ल जदीद साइंस भी इस बात को तस्लीम कर रही है जदीद साइंसी महकिन भी इस हकीकत को तस्लीम कर रहे हैं कि इन बीमारियों का इन डिजीज़ का यही इलाज है जिसे आज से पंद्रह सौ साल पहले अल्लाह के हबीब और तमाम तबीबों के तबीब सल्लल्लाहु तबीबली वसल्लम ने तैयबा के शफा ख़ानों में बयान कर दिया था लेकिन यह हमारी बदकिस्मती है नजरिया कराम कि आज अगर जो इस्लाम के कवानीन को नहीं मानते जो इस्लाम नहीं लाए मुसलमान नहीं हुए लेकिन वो रिसात महाबली वसलम की इन तलीमत पर अमल करते हुए जिसमानी फिज़िकल बीमारियों से शिफा हासिल कर लेते हैं और मुसलमान इससे महरूम है ये मरहला भी मेरी हैरतु ने देख लिया कि बहार मेरे लिए थी और मैं तही दामन ये सब कुछ रिसात महाबली वसलम ने हमारे लिए बयान फरमाया था लेकिन आज हम इनसे महरूम हैं लेकिन नजीन कराम मैं चाहूँगा कि आज हम ये भी इरादा कर लें कि इन शी इस नुस्खे पर हम अमल करेंगे और इन अगर आप ये इरादा करें और इस पर अमल करें और बिलखसूस रमदानमबारक जो हमारे लिए एक ट्रेनिंग का महीना है ये हमें प्रैक्टिकली प्रिपेयर करता है ये हमें गुनाहों से दूर भी करता है हमें स्परिचुअल बीमारीयों से भी पाक करता है और फिज़िकल बीमारी से भी हमें पा करता है अगर आज हम यह इंटेंशन बना लें और बुनियादी तौर पर अगर हम इन चार बुनियादी नुस्खों पर अमल करें इन चार बातों पर तो इनशा तला बेशुमार ऐसी बीमारियाँ हैं जिनसे हम बच जाएंगे वो चार बुनियादी बातें क्या हैं नंबर एक जब तक हमें भूख ना लगे उस वक्त तक हमने खाना नहीं खाना सबसे पहली बुनियादी बात ये आप लिख लें ये चार बातें हैं इनशा तै अगर इस पर अमल करेंगे तो बेशुमार ऐसे अमराज हैं जिनसे शिफा हासिल करने के लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं हॉस्पिटल्स में जाते हैं और कसीर रकम खर्च करते हैं लेकिन अगर हम इन चार नुस्खों पर अमल कर लें तो इन शाह मुस्तकिल तौर पर हमें शिफा मिल जाएगी पहली चीज़ जब तक हमें भूख ना लगे उस वक्त तक हमने खाना नहीं खाना जिस तरह हमारे यहाँ हमारे माशरे में हमारी सोसाइटी में ये आदत है जहाँ हम जाते हैं अगर खाने का वक्त नहीं है कहीं आइसक्रीम खा ली कहीं चॉकलेट खा ली बिस्किट्स खा लिए कबाब समोसे पकोड़े और ये तली हुई चीज़ें हम अक्सर खाते रहते हैं लेकिन अगर हम ये आदत बना लें कि जब तक भूख नहीं लगेगी उस वक्त तक हमने खाना नहीं खाना ये पहला पॉइंट है इसको आप लिख लें नंबर दो जब खाना खाएँ तो पेट भरने से कबल अपने हाथ रोक लें यानी जब हमारा पेट भर जाए उस वक्त खाना मौकूफ़ नहीं करना यानी जब पेट में कुछ खाना खाने की गुंजाइश बाकी हो उससे कबल हम खाना खाना मौकूफ़ कर लें यानी अभी कुछ तमन्ना हो कुछ ख्वाहिश हो कि कुछ निवाले मजीद ले लूँ कुछ खाना मज़ीद खा लूँ उससे कबल खाने को मौकूफ़ कर लें खाने को रोक लें ये पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर थ्री अगर इन बीमारियों की शिकायत को भी मैंने मैंशन किया तो ये याद रखें कि हर किस्म की चिकनाई वाली तली हुई ग़ाओं से हम इजतनाब करें हर किस्म की ऐसी चीज़ें समोसे हैं पकौड़े हैं पिज्ज़ा है और आमलेट और इस किस्म की चीज़ें जो तली हुई हूँ अगर हम इनसे से इजतनाब करेंगे तो इन शाला तला हमें इस बीमारी से शिफा मिल जाएगी और पॉइंट नंबर फोर खाने के फ़ौर बाद सोने से इजतनाब करते हुए थोड़ी देर के लिए कम अज़ कम हाफ एन आवर के लिए कम अज़ कम आधे घंटे के लिए हम पैदल चलें ये चार नेसेसरी पॉइंट्स हैं नाजरीन अगर हम इन पर अमल कर लेंगे और हर पॉइंट पर रिस माबी वसलम की एक हदीस दलालत करती है जिस तरह मैंने इब्तदा में अर्ज़ किया कि मुबारक का ये प्यारा महीना हमें हमारे स्पिरिचुअल तजकिए के लिए भी एहतमाम करता है हमारे फिज़िकल दिल की बीमारियों का इलाज भी करता है और स्पिरिचुअल बीमारियों का भी लेकिन नजीन करम हम में से बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इसकी हकीकत और इसके अंदर मुजमर इसमें पोशीदा रमूज और इसकी हमतों को समझ नहीं पाते रमजान रमज़ानमारक में हमने अपनी ज़ात को अपने आप को ट्रेन करना है एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग प्रोसेस से हमने अपनी ज़ात को गुजारना है और वो ये है कि हमें आदत पड़ जाए टू मेक अ हैबिट ऑफ ईटिंग लेस हम आदत बना लें कि हमने कम खाना खाना है लेकिन आज हमारे मुसलमान हमारे माशरे में क्या करते हैं हम अगरचे पूरा दिन हम भूखे प्यासे तो रहते हैं लेकिन जब इफ्तार का वक्त आता है तो हम पेट भर कर खाना खा लेते हैं बल्कि उससे भी जायद जब तमन्ना नहीं होती तो तरह तरह के खाने सामने मौजूद होते हैं हम खाते रहते हैं जिससे मुबारक का वो बेनिफिट, वो रूहानी बेनिफिट, हर चंद के फ़र्ज़ तो अदा हो जाता है वो फर्जियत रोज़ा रोज़ा का फ़र्ज वो हम अदा कर लेते हैं लेकिन वो जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं हम उनसे महरूम हो जाते हैं और वो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स ऐसे हैं कि जो इंसान की रूहानी कल्प का तस्किया भी करते हैं और जिस्मानी दिल की बीमारियों से भी हमें निजात दिलाते हैं लेकिन हम उनसे महरूम हैं यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है उन साइंसदानों की और उन मेडिकल सैंसिस के माहन की जो गैर मुस्लिम हैं जो ईमान नहीं लाए मुसलमान नहीं हैं लेकिन रमदानमबारक की तरह इस्लाम की तलीमत की तरतीब के मुताबिक साल में एक महीने रोजे रखते हैं फक़त इसलिए कि क्योंकि उन्होंने इस हकीकत को समझ लिया है कि अगर साल में एक महीना इंसान इस्लाम की तरतीब के मुताबिक खाना खाए तो वो दिल की बेशुमार बीमारियों से निजात हासिल कर लेता है इसके साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा वक्त हुआ तो इसको मैं मेंशन भी करूँगा कि आप एक कुरान करीम की आयत भी लिख लें अगर आपको स्टमक प्रॉब्लम्स हैं अगर बदहज़मी इनके बाद या कंसिपेशन की आपको शिकायत है तो आप कुरान करीम की ये आयत लिख लें मुरसलात की आया नंबर फोर्टी थ्री और फोर्टी फोर क्लू व शराबु हनी अम बीमा खुन तुम तमलून इजा लिख नजिलहसिन ईसाए करीमा को आप खाने पर पढ़ लें और खाने के बाद आप अपने हाथ पर दम करके अपने पेट पर मलेंगे तो इन करम से इससे आपको पेट की बीमारियों से शिफा मिल जाएगी नजरिन किराम रिस में आप सल्हुआ वसम की तलीमत कम खाने के हवाले से मैं चाहूँगा कि मज़ीद इस पर कुछ कलाम किया जाए चूंकि ये रमज़ानमबारक का महीना है और हम अपने माशरे में अब्ज़र्व कर रहे हैं कि हमारे बेशुमार ऐसे मुसलमान हैं जो रोज़ा तो रखते हैं लेकिन रमज़ानमारक के असल मकसद जो हमारे दिल का तजकिया है स्पिरिचुअल स्परिचुल्योफिकेशन है प्योफिकेशन ऑफ़ द हार्ट है प्योफिकेशन ऑफ़ द माइंड प्योरफिकेशन ऑफ़ द सोल इससे हम महरूम रह जाते हैं इस हवाले से वसल्लम की एक हदीस आप समात फरमा लें सईद हसन वसी रोल तवायत फरमाते हैंक्रम ने शायद फ़रमाया अफदलकम मंजिल तक जून व तोफ़ुर व अब्हीसात शायद फ़रमाते हैं कि तुम में से अल्लाह जजल के सबसे ज़्यादा नज़दीक वो शख्स है जो सबसे ज़्यादा भूख बर्दाश्त करता है यानी जो ज़्यादा भूखा रहता है अल्लाह वजल के सबसे ज़्यादा वही शख्स करीब है और जो ज़्यादा गौर व फिक्र करता है और तुम में से अल्लाह ज़ल का सबसे नापसंदीदा शख्स वो है जो बहुत ज़्यादा सोता है बहुत ज़्यादा खाना खाता है और बहुत ज़्यादा पानी पीता है इसके अलावा जाय तिरमिज़ी की एक रिवायत समात फरमा लें रिसात में आप ने निषात फरमाया अल्लाह ने मेरे लिए मक्का मुकरमा के पहाड़ों को सोना बनाना चाहा मगर मैंने अर्ज़ किया अल्लाह मुझे तो ये पसंद है कि अगर एक दिन खाऊँ तो दूसरे दिन भूखा रहूँ ताकि जब भूखा रहूँ तो तेरी तरफ गिरियावजारी करूँ और तुझे याद करूँ इसी तरह अमीमिन सैद नबूबकर ने फरमाया कि मैं जब से मुसलमान हुआ हूँ एक मरतबा भी पेट भर कर खाना नहीं खाया और है अल्लाह अलाजल की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह जजल के दीदार के जाम पीने के शौक़ में जब से मुसलमान हुआ हूँ एक मरतबा भी मैंने पेट भर कर पानी नहीं पिया अल्लाह अकबर ये मकाम है अमीर उमिन का नाजिन करम अलजाम सवीर की यह रवायत भी समात फरमा लें कि जब इंसान भूखा प्यासा रहने का आदि हो जाता है तो उसे रोटी का अहतराम उसके दिल में पैदा होता है खाने का एहतराम पैदा होता है और वो कभी भी खाने की तोहिन नहीं करता रोटी की तोहिन नहीं करता मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोटी का अहतराम करो कि वो आसमान और ज़मीन की बरक़ात से है और जो शख्स दस्तरखान से गिरी हुई रोटी को खाएगा उसकी मफ़रत हो जाएगी ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने लाली शान है कि ये जो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े हम देखते हैं कि हम दस्तरखान पर बिखरे हुए होते हैं रोटी के टुकड़े दाने पड़े होते हैं चावल के दाने पड़े होते हैं जो शख्स इनको उठाकर खा लेता है अल्लाह जो उसकी महफत फरमा देता है यानी जो शख्स भूख और प्यास का आदि बन जाएगा उसे रोटी का एहतराम होगा उसे खाने का एहतराम होगा इसी तरह रिसात महाबली वसम के सहाबी सईदबिन उमर अल्लाह तु ने ज़मीन पर रोटी का एक टुकड़ा देखा और अपने गुलाम को हुक्म फरमाया कि इसे उठा ले और कहीं पाक जगह पर रख दे साफ़ करके रख दे उस गुलाम ने उठा लिया शाम इफ्तार के वक्त सैद नब्दुल्बिन उमरदील् तशाद फरमाया कि वो रोटी का टुकड़ा कहाँ है तो गुलाम ने कहा वो मैंने खा लिया हैज़रत अबिन उमरद् तशाद फरमाया कि आज़ाद है उसने पूछा कि मुझे आज़ाद क्यों फ़रमा रहे हैं तो सैदुलबिन उमर रदील्लाशायद फ़रमाया कि मैंने हजूर अकरम सल्ला वसलम की यह हदीस सुनी है कि जो शख्स दस्तर से खाना उठाए दस्तरखान से जो शख्स खाने के टुकड़े या रोटी के टुकड़े उठाकर खा ले वो शख्स मकफूर हो जाता है उसकी मगफरत हो जाती है और फरमाया तेरी तो मगफरत हो चुकी है तू तो मगफरत का हकदार है तुझे मैं अपना ग़ुलाम कैसे बना सकता हूँ लिहाजा जा तो आज़ाद है नाजीन कराम ये है खाने का अदब जो भूख और प्यास की वजह से पैदा होता है मैं आखिरी हदीस आपके गोश गुजार करता हूँ चूंकि मुझे बताया गया है कि आज हमारे पास वक्त बहुत कम है विषात माप सल्ला वसलम ने इशात फरमाया रिसाल जो शख्स दस्तरखान से खाने के गिरे हुए टुकड़ों को उठाकर खाए वो फराखी की जिंदगी गुजारता है विशात माप सल्लम ने इशात फरमाया कि जो शख्स दस्तरखान से गिरे हुए खाने के टुकड़ों को उठाए और खा ले वो फराखी की जिंदगी गुजारता है और उसकी औलाद और औलाद की औलाद कम अकली से महफूज रहती है यह अलाजल का उस फर्द पर करम है अल्लाह जजल की बारगाह में दुआ गो हैं कि खल के कायनत हमें कम खाने की कोफ़ीकता तो फरमाए और जिस तरह अलैहि वसम की सुनत है हमें इस सुनत पर अमल करते हुए तालीमाते इस्लामिया पर अमल करने और तजकिया कल्ब बजा लाने की कोफ़ी कता फ़रमाए हम आने वाले लेक्चर्स में इन शी इंसान के दिल की सोचने की सलाहियतों पर गुफ्तू करेंगे मेडिकल साइंस के ज़रिए और न्यूरोार्डियालॉजी की रिसर्च की बुनियाद पर हम इस सिलसिले को इन शाल कल से जारी रखेंगे अल्लाह ज हमारी सादरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए व आखिर दावाना अनुमदिल्लि रब